नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पांच ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जो धनु राशि पर 100% सत्य साबित होने वाली है। जिस ग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे, उस ग्रह से संबंधित जो भी आप कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलने वाली है। यह भविष्यवाणी जून से लेकर दिसंबर के बीच में रहने वाली है, तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर की जो भविष्यवाणी है वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में 17 सितंबर तक रहने वाले हैं। ये ध्यान रखना है, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य आपकी राशि के अनुसार से भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं, अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में। ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास करते हैं या आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप सूर्य से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं, या फिर देखा जाए तो भाग्य भाव में विराजमान है तो भाग्य में प्रबलता देने का काम करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत चमकाने का काम करेंगे और हर क्षेत्र में लाभ देने वाले हैं। इस कारण से ये ध्यान रखना है कि 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर की जो आपकी स्थिति रहेगी, जो आपका भाग्य रहेगा, वो बहुत ही प्रबल रहने वाला है। सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। साहस, बल, पराक्रम, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में सफलता देने का भी काम करेंगे, इसलिए ये समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो मंगल से संबंधित है। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं और मंगल आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं। इस कारण से आपको ध्यान रखना है 16 नवंबर से 25 दिसंबर तक मंगल बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। मंगल भूमि के कारक माने जाते हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के कारक माने जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में लाभ तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं, संतान के योग बनाएंगे और प्रेम विवाह में भी सफलता दिलाने का काम करने वाले हैं। वही फाइनेंशियल स्थितियों में भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। 12वें भाव में बैठे हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। वही यदि हम इनकी दृष्टि के बारे में बात करें तो 6वें भाव में मंगल की दृष्टि रहेगी, जो कि रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे और वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाने का काम करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें तो पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम मंगल करने वाले हैं। तो मंगल का जो समय है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी भविष्यवाणी के बारे में यदि हम बात करें जो कि बुध से संबंधित है। बुध जो है 24 जून से 8 जुलाई तक मिथुन राशि में ये गोचर करने वाले हैं और वो भी भद्र नामक राजयोग बना करके। तो धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, 24 जून से 8 जुलाई तक का। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आप नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध आपके कैरियर के मालिक हैं, तो कैरियर में जरूर बदलाव देखने को मिल सकता है, ये संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। वही वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और बुध व्यापारिक ग्रह माने जाते हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। ये आपके दशम भाव के कैरियर के मालिक हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप छोटा मोटा कोई व्यवसाय कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, और यदि आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आप चेंज करके नई नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हो, और व्यापार यदि प्रारंभ करना चाहते हो तो ये समय आपको ध्यान रखना होगा। यदि हम चौथी भविष्यवाणी के बारे में बात करें जो कि शुक्र से संबंधित है। शुक्र जो है 30 नवंबर से
25 दिसंबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे लाभ भाव में। वैसे तो सभी ग्रह लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन जब शुक्र स्वयं की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे दिसंबर के महीने में, आप मोटा मोटा दिसंबर के महीने में, पूरा दिसंबर का महीना सोचिए कि आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन जो भी आप सोच रहे हैं वो सभी प्राप्त करवाने का काम शुक्र करने वाले हैं, क्योंकि लाभ भाव में ये विराजमान है। लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, तो शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करने का काम करने वाले हैं। वही आपके छठे भाव के भी मालिक हैं, तो इस कारण से रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम भी शुक्र करने वाले हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक शुक्र आपको लाभ देने वाले हैं। भौतिक कार्य जो भी आप करना चाहते हैं, भोग विलास के जो भी कार्य है वो शुक्र के अंडर में है, तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करने वाले हैं। पांचवी भविष्यवाणी के बारे में यदि हम बात करें, जो कि गुरु से संबंधित है, राहु से संबंधित है और शनि से संबंधित है। शनि आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि सदैव यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं। अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, तो ये आपको लाभ यहाँ पर मिल सकता है। वही शनि सपोर्ट करने का काम भी करेंगे और गुरु पंचम भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु मीन राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे, तब आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर गुरु आपको फाइनेंशियल स्थितियों में सपोर्ट करने का काम करेगा। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के दिसंबर तक। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि गुरु जो है 30 अक्टूबर के बाद लाभ देने का काम करेंगे, और राहु की यदि हम बात करें तो ये 30 अक्टूबर को आपके चौथे भाव में मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। लेकिन राहु अभी पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो पंचम भाव में 30 अक्टूबर तक रहने के कारण आपका मन चूहा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट की तरफ जा सकता है, और इसमें कई बार फायदा भी होता है और कई बार नुकसान की स्थिति भी बन जाती है। वही केतु जो है लाभ भाव में लाभ देने का काम करते हैं। तो ये पांच जो भविष्यवाणियां हैं, यदि आप समय को ध्यान रखते हुए कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।